तो यही है वो जगह है जो आपको याद होगी कि हमने यहाँ पर जो मीटअप किया था 5G एम्पायर कार्स के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर हमने जो है वो मीटअप किया था। हम लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग आए थे और हमारी कार यहाँ पर जो है वो आ गई है, और कार में हम जो है वो कुछ काम करवाने के लिए आए हैं गिरी भाई साहब के पास में। तो चलते हैं, पूछते हैं कि हमारी जो कार है कि उसके ऊपर जो है वो कोटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। और गिरी भाई साहब, क्या हाल चाल आपका? नमस्कार जी, नमस्कार। आजकल तो नमस्कार का ज़माना है, हैं? तो ये बताओ जी, कार कैसी लगी हमारी आपको? बहुत बढ़िया भैया। कार बढ़िया लगी? बहुत शानदार गाड़ी ली है। शानदार गाड़ी ली है, सही चॉइस है, गलती तो नहीं करी लेने में? नहीं नहीं भैया, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छी गाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सेवा करोगे हमारी गाड़ी पे, ये बताओ। अब गाड़ी को कैसे हम जो है बिल्कुल नई की नई रख सकते हैं, उसके लिए कोई सलाह दो भैया। एक तो इसका इंटीरियर हम रीफर्निश कर रहे हैं सारा, अच्छा तो साफ है, पर एक लेदर अंदर कोटिंग आती है। अच्छा, लेदर की उस पर कोटिंग करेंगे, प्लस बाहर हम कर रहे हैं इसके अंदर सेरेमिक कोटिंग। ठीक है, ये सेरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग और ये एक और पीपीएफ टाइप चीज चलती है ना, इनमें क्या डिफरेंस है? पीपीएफ भैया, पीपीएफ भी ठीक है, पर इंडिया में इतनी पीपीएफ कामयाब नहीं है, शुरू शुरू में हमने करी है। पेंट प्रोटेक्शन कहते हैं कि उसके अंदर क्या है, वो फिल्म होती है, लेमिनेटेड फिल्म होती है, एक तरह से मोटी लेयर होती है फिल्म की, लेमिनेटेड की। लेकिन वो ना जैसे यहाँ पे 40-50 टेम्परेचर हो जाता है, तो उसके अंदर वो 1.5-2 साल के बाद कलर येलो पड़ना शुरू होता है। जो गाड़ियों का डार्क कलर है उनमें तो इतना ज्यादा नहीं पता चलता, अच्छा। लेकिन व्हाइट कलर में या सिल्वर गाड़ी जैसे कलर है अपनी गाड़ी का, तो उसके अंदर फिर ये दिक्कत आती है कि गाड़ी का कलर येलोनेस आ जाता है उसके अंदर, अच्छा। और वो कई बार उतारने में अगर क्वालिटी चीप है तो उतारने में नीचे गम छोड़ जाती है, मतलब उसमें इतनी ज्यादा कामयाब नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्या फायदा है फिर सेरेमिक में? क्या है कि ये एक तरह से लिक्विड होता है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन जाते हैं। अभी ये जैसे ये बॉटल है, ये 3M की है, जापानीज़ है, अच्छा। ये अभी तो लिक्विड है, जो इसका इसके बाद जब हम इसको गाड़ी पे चढ़ा देते हैं, इसके नीचे ये रेड रेड पिंक पिंक सा क्या ये हो रहा जम गया है? ये जम गया। अच्छा, तो ये एक लेयर जम जाती है ऐसा, ये, ऐसा कुछ ये जैसे यूज नहीं करेंगे तो थोड़े दिन में ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा, ये क्रिस्टल बन जाता है? क्रिस्टल बन जाता है ये लिक्विड। हाँ, मतलब जो ओरिजिनल सेरेमिक होती है वो यही होती है, उसकी पहचान ही यही है। पर हम जो आपकी गाड़ी में यूज कर रहे हैं वो जापानीज है। तो आपको समय आ गया कि आपको दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी है, और उसके बाद में आप दिखाएंगे आपको बहुत सारी चीजें, तो फटाफट से देख लीजिए, आपका बेसब्री से इंतजार है जिस चीज के लिए। ये देखिए, ये है गाड़ी। आओ भाई, कोई हेल्प कराओ मेरे साथ में। ये है 1, 2 और 3। तो कैसे लग रही है आपको शर्मा जी की गाड़ी? मैंने कहा था शर्मा जी कार लेंगे तो बताएंगे आपको। तो शर्मा जी ने पहली कार खरीद ली है, और पहला ड्राइव जो था वो चंडीगढ़ में था हमारा, और हम आए थे यहाँ पर 5G का एम्पायर कार पे अपनी गाड़ी को और सेव करने के लिए। तो बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे हमने जो किया। ये जो लुक देख रहे हैं आप, ये ऐसा लुक नहीं था, लेकिन बहुत ही टाइम लगा, बड़ी मेहनत करी यहाँ पर, तब जाकर ये चीज़ जो मिली है। बाकी चीजें बताएंगे आपको ड्राइव करते हुए, तो चलो ड्राइव पे चलते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पर जो है कार को बहुत ज्यादा ड्राइव कर लिया है, और जिस तरह से आपने देखा कि कौन सी कार है, आपको पता लग गया कि हाँ जी साहब ये वाली कार है। तो ये जो कार ली है मैंने यहाँ पर, क्यों ली है सबसे पहले बात करते हैं उसके लिए। तो वर्चस्वी ने कहा था, क्या कहा था वर्चस्वी? गाड़ी कैसी होनी चाहिए? लंबी, मतलब लंबी नहीं, ऐसे बोला था कि चिपकी चिपकी नहीं होनी चाहिए पीछे से। तो ये गाड़ी पीछे से कितनी है, चिपकी हुई है, कैसी है फिर पीछे से? लंबी। और क्या होना चाहिए था कार के अंदर? और छत के बारे में क्या बोलना था? छत भी खुलनी चाहिए। तो गाड़ी के अंदर जो है वो सनरूफ और मूनरूफ दोनों है। अभी सिर्फ जो है वो सनरूफ खोल रखी है, और उसके बाद में जो है वो मतलब शेड्स खोल रखे हैं, और उसके बाद पूरी पूरी सनरूफ भी आप जो खोल सकते हैं, और कार के अंदर जो है वो भरपूर उजाला रहता है ना? खुश, ठीक है। और आपने क्या कहा था कार में क्या क्या होना चाहिए? खड़े होके तो दिखा दो यहाँ पे सारे बच्चों को कि कैसे यहाँ पर खड़े होते हैं। दिखाओ दोनों हाथों करके, दिखाओ ये बात साइड में करो ऐसे, ये अच्छा लग रहा है ना वर्चस्वी को? तो इसलिए लिए है वर्चस्वी की फेवरेट कार, ये है हमारी प्रिंसेस। जी हाँ, तो मर्सिडीज C220 है, डीजल वाला इंजन है, और मैं इसको लगभग जो है वो 1400-1500 किलोमीटर चला चुका हूँ। मर्सिडीज टाइप की गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग सा ही होता है, और वही यहाँ पर जो है फीलिंग है। मैंने ये वाली गाड़ी क्यों ली, क्योंकि जब मैं गाड़ी लेकर सोचता था तो मुझे लगता था कि यार गाड़ी जो है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब सबसे अलग होनी चाहिए। तो बहुत सारी गाड़ियां देखी आपने, पता आपको बताया मैंने कि 2018 में हम अमेज देख रहे थे, अभी जो है 19 में हमने वरना भी देखी, हम देख कर आए, लेकिन बात बनी नहीं यहाँ पर। तो ये वाली गाड़ी जो है, फिर उसके बाद में सोचा गया चलो यूज कार में यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने यूज कार देखना जो है शुरू किया। तो मुझे जो है वो ये वाली कार जो है वो कहीं से मिल गई, कहाँ से मिली वो बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में।
इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो भैया ब्लैक के अंदर इंटीरियर दिए गए हैं और बड़ा ही जबरदस्त है, कहीं कहीं जो है वो सिल्वर की टोन है, क्रोम फिनिशिंग है, तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं। म्यूजिकल की तरह आपको दिखाता हूं क्योंकि अपन जो कार वाले नहीं है, लेकिन हाँ शर्मा जी की कार है तो वो आपको जरूर से देखने की बनती है ना वैजस्वी। तो क्या करना है पहले वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कार का जो हम घर पे लेकर आए थे तो उसका जो हमने एक छोटा सा व्लॉग अलग से बनाया है, साथ ही साथ जयपुर से सूरतगढ़ की जो जर्नी है वो बनाई है, वो आएगी शर्मा जी की कहानी चैनल पे, तो जाकर जरूर से जो है वो देखिएगा। तो अब आपको दिखा देते हैं कि भैया कार का इंटीरियर कैसे है, बाहर से कैसी है और किससे कैसे जो है मुझे ये वाली कार मिली। किसी को देखने आ रहे हैं, गेट के आगे खड़ी है, लोग आ जाते हैं, कभी लेडीज झुंड बना के खड़ी हो जाती है, कभी बच्चे खड़े हो जाते हैं, हाथ लगा लगा के देखते हैं, क्योंकि ऐसी गाड़ी इधर सूरतगढ़ साइड में तो है ही नहीं, तो बहुत अच्छी है, आप भी लो, एंजॉय करो। तो मुझे जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी, ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल गई, क्रूज कंट्रोल चाहिए था वो मिल गया, म्यूजिक सिस्टम चाहिए था वो भी यहाँ पर बढ़िया जो है मिल गया, और वर्चस्वी के लिए जो छत खोलने वाला सिस्टम भी मिल गया, और पारुल शर्मा के लिए जो है बड़ी सारी डिग्गी मिल गई यहाँ, जिसमें बहुत सारा सामान जो है वो आ सके, कोई दिक्कत ना हो। और पारुल को जब मैंने गाड़ी दिखाई तो उसने क्या बोला था पहली बार, बताना जरा क्या बोला था, क्या बोला था याद करो, यही बोला था मम्मी तो हमेशा भूल जाती है बात को। हाँ। मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ बात को। हाँ, तो पारुल ने बोला कि नहीं ये वाली नहीं है, ऐसे वैसे मतलब होता है ना कि हाउवा टाइप होता है, मर्सिडीज का नाम सुनते लोग होते हैं पता नहीं क्या है क्यों है कैसे है, लेकिन ये वाली चीज है वो काफी बढ़िया मिली। लेकिन डिक्की में बहुत सारी जगह, उसमें तो एक बंदा भी सो सकता है, एक बंदा तीन तीन बंदे डाल दो हम। आज मैंने अपने स्टाफ मेंबर को भी बताई, वो कहते हैं मैडम पार्टी तो बनती है पर शानदार पार्टी के साथ साथ हमें एक एक सूट और गिफ्ट कर देना, क्योंकि ऐसी गाड़ी हम तो सोच भी नहीं सकते, लेना तो दूर की बात है। आपको थोड़ा घुमाकर दिखाते हैं। जी हाँ, जब गाड़ी चलती है तो किस तरह का एक्सपीरियंस है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो व्यू है अंदर का आपको कैमरा में जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो है, पीछे हो गया बैठो पूरा, आपकी शक्ल नहीं आ रही। हाँ, ऐसे तो आप देख सकते हो कि लग्जरी फीलिंग आती है, और इसका जो मतलब एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही अलग है, सबसे अलग है। राइड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, सस्पेंशन है या वो है, एवरेज की अगर बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में जो है वो रहता है कि एवरेज कितना देती है, मोस्टली जो भाई साहब मर्सिडीज लेता है वो एवरेज को नहीं देखता है, लेकिन फिर भी मेरी जो एवरेज है यहाँ पर 11 से 12 के बीच में आई है। 65 लीटर का जो है वो डीजल वाला जो है वो टैंक है, 65 लीटर मैंने यहाँ पर जो भरवाया था, और जयपुर से लेकर जो है वो सूरतगढ़ और सूरतगढ़ से लेकर चंडीगढ़ वहां तक जो है वो चल गया था, और चंडीगढ़ में टैंक फुल कराया, क्यों सस्ता मिलता है वहां पे, 71 रुपीज का जो डीजल मिल रहा था तो वो मैंने वहां पर जो है वो भरवा लिया था। उसके अलावा जो है बहुत ही बढ़िया स्मूथ गाड़ी है, अच्छी कंडीशन में जो है वो मुझे मिली है। तो ये हमारे यहाँ पर इस कार की कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे गैसेस यहाँ पर जो है वो फेल हो गए होंगे, बहुत ही कम यानी कि बहुत ही लिमिटेड लोगों ने जो है पहली बार 5 या 6 लोगों ने बोला था कि ये जो है वो एक मर्सिडीज गाड़ी है, सनरूफ है, मूनरूफ है, डबल है, ये है वो है, तो उन्होंने सही गैस किया था। उसके अलावा बाकी जितने भी लोग थे वो तो आल्टो है, क्रेटा है, वरना है, गगन ने वीडियो लगा दी वरना की वो वाली गाड़ी है, ऐसी है या वैसी है, तो आपको जो है वो पता लग गया होगा कि ये जो है वो फाइनली कौन सी गाड़ी आपको जो है वो हमने ली है, ठीक है ना। तो एसी की कूलिंग की बात करो, म्यूजिक सिस्टम की बात करो, राइड क्वालिटी की बात करो, क्रूज कंट्रोल तो सबसे मक्खन लगता है मुझे, मुझे वही सबसे जो है बेटर चीज चाहिए थी कि भैया गाड़ी में क्रूज कंट्रोल चाहिए, बार बार गियर कौन बदले और ये सब, तो मेरे लिए एक परफेक्ट गाड़ी थी। काफी लोगों ने बोला ये गाड़ी लोगे इसमें ये खर्चा आएगा, इसमें वो खर्चा आएगा, ऐसा है वैसा है पता नहीं कैसा कैसा है, लेकिन भैया अपने लिए बिल्कुल जबरदस्त रही, मस्त रही, कोई शिकायत अपने को जो है उसमें नहीं आई अभी तक। और जिस बंदे से गाड़ी ली है वो बंदा जो है बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ पर, तो उस बंदे का जो मतलब प्लेस है जहां पर ये गाड़ी मिली मुझे यहाँ पर, ये गाड़ी जो है वो एक यूज्ड कार है, लेकिन आपको देखने से लगेगा नहीं कि यूज्ड कार है, तो इसलिए मैंने जो है वो कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये मेरी नई कार है, ये शर्मा जी की पहली कार है, पहले हमने जो है वो होंडा की जैज चलाई थी जो कंपनी ने दी थी, उसके बाद हमने ह्यूंडई की वेन्यू चलाई जो हमने सब्सक्रिप्शन पे ली थी, और उसके बाद जो है हमने कहा चलो यार अब टाइम आ गया है तो ले ही लेते हैं, मतलब नई गाड़ी लेने के लिए आपको 55 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, लेकिन अच्छी कंडीशन में जो है वो यूज कार मिल जाती है
तो हमारे अतिथि कार्स के जो भाई साहब है दिलीप जैन करके, उनसे जो है मैंने गाड़ी ली और साथ ही उन्होंने बोला कि मैं सर्विस ही प्रोवाइड करूंगा। और बहुत ही अच्छा नेचर है बंदे का जिसने यहाँ पर ये चीज बढ़ाई है। उसने बोला भी कि अगर आपको साल दो साल में बदलनी हो तो मेरे से भी आप बदल भी सकते हो। तो मतलब ऐसे लोग जो है बड़े कम मिलते हैं, अच्छी कंडीशन में चीजों ने रखी है। ये वाली गाड़ी जो है वो जयपुर से बाहर कभी गई नहीं थी, मतलब 7 साल पुरानी गाड़ी है, कभी गई नहीं बाहर। मैं इसको पहली बार बाहर लेके आया, स्क्रैच छोटे मोटे जो लगे हैं बम्पर पे आगे जो लगते हैं, गाड़ी चलेगी तो स्क्रैच तो लगते हैं, तो वो भी मेरे से लगे हैं, वरना गाड़ी में कुछ भी नहीं था। मतलब बिल्कुल ऐसी नई लगती है, देखोगे ना आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल नई गाड़ी है। साथ ही साथ मैंने जो है वो चंडीगढ़ में गया था, तो अपने 5G एम्पायर वाले भाई साहब जाते आपको गिरी, जिनके हमने यहाँ पर मीटअप किया था चंडीगढ़ के अंदर, तो 5G एम्पायर कार पे हम यहाँ पर गए थे और उनसे जो है वो सिरेमिक कोटिंग भी करवा के लाया था मैं। तो सिरेमिक कोटिंग जो है वो आपकी गाड़ी को और भी जो है अच्छी प्रोटेक्शन देती है, और डेमो भी आपको जो है वो दिखा देते हैं, तो वो यहाँ पर एक पार्ट फटाफट देख लीजिए। चलो मेन बात पे आते हैं कि क्या कॉस्टिंग क्या पड़ती है इसकी। ये स्टार्ट हो जाती है 12-13 हज़ार रुपये से। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी करवा रहे हैं। अब जो आपकी गाड़ी के अंदर क्वालिटी हो रही है ये 35,000 की है। अच्छा, तो सबसे हाई एंड है, इससे ऊपर कुछ नहीं आता प्रोडक्ट। तो आपको जो एक डेमो भी यहाँ पर करके दिखाते हैं, इस BMW के ऊपर जो हो रखी है पहले से कोटिंग, तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। मान लीजिए आपकी वो जो गाड़ी पे जो है वो पानी पड़ जाता है, स्प्लैश पड़ जाता है, कुछ भी है, तो किस तरह से जो है वो रेपेलेंट होती है। देखिए सारा का सारा जो पानी है वो रुका ही नहीं, टिका ही नहीं, सारा पानी यहाँ से निकल कर बाकी जितनी बूंदें वो भी यहाँ पर अपनी धार बनाकर जो है वो निकल जाएंगी। तो ये फायदा होता है यहाँ पर, अगर मिट्टी भी जमी हुई है आपने पानी डाला वो सारा का सारा साफ हो गया। क्लीनिंग ये देखो एकदम जबरदस्त, देखो मिट्टी लगी हुई थी यहाँ पे, डाला और सारा साफ हो गया। तो ये फायदा मिलता है यहाँ पर सिरेमिक कोटिंग से। हाँ जी, तो कैसी लगी शर्मा जी की कार? बहुत अच्छी है, कूलिंग भी अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, और सब चीजें अच्छी है, और बैठ के लग्जरी फीलिंग भी आती है। बिल्कुल, मतलब मर्सिडीज अगर आप अभी है ना, दुनिया भर के इसमें ऐसे फीचर है कि हमको पता ही लगता, अच्छा ये वाला फीचर भी है, अच्छा ये वाला फीचर भी है। मतलब 2013 की गाड़ी में ब्लूटूथ आता था और 2016 की ऑडी में ब्लूटूथ नहीं आता है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको लगता है कि हाँ ये काम करेंगी नहीं करेंगी, चलेंगी नहीं चलेंगी, ये सब चीजें देख करके। और सबसे पहले जब कार को हम लेकर के गए थे तो वो शर्मा जी की कहानी वाले वीडियो में ही आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि वो कहाँ थे, कहाँ गए, क्या किया हमने और क्या जो है वो नहीं किया। तो मर्जी क्या करना है वीडियो में बताओ, क्या अगर आपको हमारी नई कार पसंद आई है? नहीं, हमारी कार नई कार नहीं, हमारी कार नई जैसी है लेकिन नई नई होती है और यूज होती है। कोई नहीं कह सकता पुरानी है नई है, जब से थर्मल में आई है सब नई बता रहे हैं। जी हाँ, इतने लोग आते जाते सब बधाइयां दे दे के जा रहे हैं। तो अगर आपको अपनी हमारी ये कार पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शर्मा जी टेक्निकल की इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि कार पसंद आई होगी। बस ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए और बोलते रहिए।